हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो ऑफ बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। इस वीडियो में बताऊंगा आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर है हमारे लिए मार्केट में, जितना आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना मार्केट हमको लॉस में रखेगा। चार्ट्स कई प्रकार के होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लोग यूज़ करते हैं, ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, बड़े बड़े FIAs यूज़ करते हैं। एक तो होता है लाइन चार्ट, ये वाला जो लाइन चार्ट है इससे बेसिकली आप वाइड रेंज में पता कर सकते हैं कि पैटर्न बुलिश है, मार्केट बुलिश है, फिर कोई स्टॉक बुलिश है या बेयरिश है। सेकेंड आ जाता है बार चार्ट, और थर्ड आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बैड न्यूज़ होता है स्टॉक मार्केट में, खासकर ट्रेडर्स में तो बहुत ज़्यादा यूज है और टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट बहुत ज़्यादा यूज इसलिए किया जाता है, इसमें मिनट चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, डे, वीक, ईयर, जो मर्जी जिस मर्जी पैटर्न का, उससे आपको पता लग जाता है कि हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया था इस दिन, अगर कितनी मूवमेंट हुई थी और कहाँ हो सकती है मूवमेंट, इससे पता लगाने का, इससे टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स है। क्योंकि कैंडलस्टिक तो आना ही चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हैं तो डेफिनेटली। तो बेसिक्स पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, और इसके आगे हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, कैसे आप पता लगाओगे कि मार्केट बुलिश जाने वाला है, बेयरिश जाने वाला है, आपको कॉल खरीदना चाहिए, पुट खरीदना चाहिए, ये सब हम आगे पार्ट्स में पढ़ेंगे। पर ये बिल्कुल बेसिक है। इसमें देख लीजिए, अब इस तरह का ये दिखता है, मैं आपको बना के भी बता देता हूँ। सो कैंडल का बेसिक ये है कि कैंडल होती है, कैंडल बनती है ऐसे, एक बॉडी से बनती है, ये होती है कैंडल की बॉडी, और जो ऊपर और नीचे से निकले होते हैं इनको बोलते हैं विक। जैसे कि मोमबत्ती की ऊपर बत्ती निकली होती है ना, बत्तियाँ होती हैं, बत्ती को इंग्लिश में मोमबत्ती की ऊपर जो बत्ती निकलती है उसको बोलते हैं विक, तो इसको हम विक बोलते हैं, विक, इसको बोलते हैं हम बॉडी। अब विक को शैडो भी बोल सकते हो। अब हम पढ़ते हैं कि कौन किस कितने टाइप से कैंडल होते हैं। कैंडल बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है बुलिश कैंडल और एक होती है बियरिश कैंडल, एक थर्ड टाइप भी है डोजी, पर मैं इसी सीरीज में जो मैं बना रहा हूँ वीडियोस उसमें आपको मैं बता दूंगा, आपको मिल जाएंगे आगे वीडियोस डोजी कैंडल, वो भी टाइप्स ऑफ कैंडल में आ जाता है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा कैंडल, ये आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कैंडल की बॉडी होती है, ये विक होता है। सो हम फर्स्ट देख लेते हैं कि बुलिश कैंडल कैसी होती है। बुलिश कैंडल होती है, इसलिए ऐसा होता है कि कोई भी स्टॉक प्राइस या कोई भी इंडेक्स में कहीं भी कोई भी प्राइस, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे, इसको बोलते हैं ओपनिंग, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस नीचे भी गया है और प्राइस ऊपर भी गया है, पर क्लोजिंग ऊपर हुई है, जहाँ से ओपनिंग हुई है उससे ऊपर क्लोजिंग हुई है, दैट मीन्स क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर हुई है तो ग्रीन कैंडल बन जाती है कि हाँ भाई बुलिश है, मतलब ऊपर गया है, हाई इसका ये हो जाता है, मतलब मैक्सिमम यहाँ तक गया था ये हाई हो जाता है, और ये हो जाता है लो। मतलब मानो एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए स्टॉक ओपन होता है 40 रुपए पे, 40 रुपए से गिरता है और बनाता है 38 का लो, या 38 का लो बना रहता है, यहाँ पे रेड बनता है, पर कैंडल क्लोज नहीं हुई है, मतलब बंद नहीं हुई है, तो 38 का लो बना के एंड देन ये फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाता 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 हाई बनाता है ये 48 का, पर फिर नीचे आके क्लोज हो जाता है 45 पे। अब ये तो इसका हाई हो गया, ये इसका क्लोज हो गया, और ये ओपन हो गया और ये लो हो गया। अब यहां से ओपन होके ये ऊपर गया नीचे गया डजंट मैटर, और यहां से ओपन हो गया क्लोज यहाँ पे हुआ है अप साइड में, तो ये कैंडल हो जाती है ग्रीन, इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, ये बुलिश दर्शाती है, ये पॉजिटिविटी दर्शाती है मार्केट के अंदर। अब हम जानते हैं बियरिश कैंडल के बारे में, बियरिश कैंडल होती है रेड कलर की, वो दिखती है कुछ इस तरीके की, सेम इसके अंदर भी विक है, इसके अंदर भी बॉडी है। अब फर्क ये है कि बुलिश में क्या था कि प्राइस नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज किया था, इसमें बस बात ये हो जाएगी ओपन यहां होगा और क्लोज डाउन में होगा, क्लोज डाउन में हो गया है तो ये कैंडल बन गया रेड, मतलब ऊपर खुला मार्केट और नीचे चला गया, तो उसका मतलब बियरिश, बियरिश मतलब नीचे जाना, तो नीचे चला गया मार्केट, और ये है इसका लो और ये है इसका हाई, प्राइस ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, लो इतना बनाया था, हाई इतना लगाया। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल कोई भी स्टॉक ओपन हुआ 15 रुपए पे, कैंडल ओपन हुई 15 रुपए पे, इसने हाई बनाया 17 का, इसने क्लोज किया है 12 पे, और लो बनाया था इसने 10 का, मतलब कैंडल ओपन हुई 15 पे, उसके बाद ऊपर गई नीचे की डजंट मैटर, इसने हाई मतलब ऊपर गई थी मैक्सिमम 17 तक, पर 17 पे क्लोज नहीं करी है, वहां से नीचे आई और ये 10 तक भी गई है पर क्लोज इसने 12 पे किया है,
तो यहाँ विक बन जाएगी, यहाँ कैंडल बॉडी बन जाएगी और यहाँ फिर विक बन जाएगी। मतलब ये हाई हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये लो हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। मैं जितना हो सके सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप समझ गए होंगे डेफिनेटली कि ये होते हैं दो टाइप के कैंडल, और ये कैंडल के अलग अलग टाइम फ्रेम के हैं। कोई 5 मिनट की कैंडल होती है, 10 मिनट, और मतलब आप देख सकते हो चार्ट के ऊपर। सो ये वीडियो था सीरीज का सबसे बेसिक वीडियो, जिसको कैंडल स्टिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता, इस वीडियो से उसको नॉलेज हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।